कि उनके मूड पे है, मूड पे आया है और वो क्या है, गुनहगार है, मुजरिम है, लेकिन मूड अच्छा है तो माफ कर देंगे और इनाम भी देंगे, माफ भी करेंगे। शेख सादी ने सब वाकयात लिखे अब्दुल समद चाचा किताब में, हाँ, कि उन्होंने बादशाहों के दरबार में बहुत घूमे शेख सादी, तो कहा कि वो है, और अगर बिचारे का गुना नहीं है और मूड अच्छा नहीं है तो सजा, हाँ, तो वो जो है वो गया, तो बादशाहों का मूड तो ऐसा होता है। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत, पहले के कहीं बादशाह को मेरा जवाब बुरा न लग जाए, तो कहा कि मुझे अगर गर्दन की अमान पाऊं यानी मुझे सजा न दी जाए तो एक बात कहूं कि बादशाह सलामत, लैला को आपने अपनी निगाह से देखा है, अपनी नजर से देखा है, अगर मजनू की मेरी नजर से देखते तो आपको वो हुस्न नजर आता जो मुझे आ रहा है, आपको वो हुस्न नजर आता जो मुझे आ रहा है। तो माँ बाप ले गए, जैसे हम इंडिया ले जाते हैं कि काबतुल्ला, कि वहां दुआ कबूल होती है, तो काबे का पर्दा पकड़ा और कहा माँ बाप ने मजनू को कि हम दुआ करते हैं तू आमीन कहना, तो सब दुआ की, मजनू आमीन कहता रहा, उसने ये भी दुआ की कि अल्लाह लैला की मोहब्बत बेटे के मुंह से निकाल दे, तो मजनू कह रहा है अल्लाह हर दुआ को कबूल कीजियो, इसको मत कीजियो, हैं, हर दुआ क्या कीजियो, कबूल कीजियो, इसको मत कीजियो, इतना बड़ा पैसा खर्चा कई काम नहीं आएगा। तो खैर बहरहाल वो नजर चाहिए, तो माँ का लाल, एक है लाल लाम अलीफ लाम और एक है लाल लाम आईन लाल लाम, लाम आईन और लाम, लाल कहते हैं कीमती मोती को, लाल किसको कहते हैं, कीमती मोती को कहते हैं, और एक लाल तो हम बोलते हैं लाल। तो हजरत फरमाते थे बेटा चाहे काला कलोटा हो, बेटी चाहे काली कलोटी हो, हर माँ की नजर में वो लाल उसका लाल है, लाल उसका क्या है, लाल है, लाल उसका। इसीलिए देखिए अच्छी नजर भी लग जाती है। तो हमारे अकाबिन ने लिखा है बच्चा तैयार होगा, माँ ही अक्सर तैयार करती है, हैं, माँ ही अच्छे अक्सर, तो हम बोलते हैं क्या मारो छोकरो, तो ये भी आपने तो हमें भरी से एम नहीं कि शेख सुदेश जो देखा है ने, शेख सुरेम जो देखा है ने, फलाना मौल साहब जो ने, कारी साहब जो होंगे, शाहरुख खान जो देखा है, आज हैं, आज तो सलमान खान जो देखा है, फलाना एक्टर जो देखा है। तो हजरत फरमाते थे कि अपने बेटों के अंदर बचपन से एक्टर देखोगे तो कैरेक्टर कैसे अच्छा होगा, हैं, बचपन से क्या देखोगे, एक्टर उसको नजर आएगा तो कैरेक्टर कैसे अच्छा होगा उसका। तो खैर बहरहाल हर माँ उसको पसंद आता है तो माशाल्लाह बोल दिया करो, क्या बोल दिया करो, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये बोल दिया करो। इसीलिए हमारी बड़ी बूढ़ी औरतें क्या करती थी, टीका लगाती है ना, टीका लगाती थी। लोग पूछते हैं कि ये जायज है, मैंने कहा भाई ये इलाज की गर्ज से है, कोई इसको इबादत थोड़ी समझता है, हर चीज में जायज है जायज है। तो फिर तू मुझे बता इंजेक्शन लगाना जायज है, हैं, हवाई जहाज में बैठना जायज है, हुजूर हवाई जहाज में बैठे थे, सहाबा हवाई जहाज में बैठे थे, इंजेक्शन लगाया था, ये दवाई जो हम आजकल पी रहे हैं, अब तो हर पांचवा आदमी शुगर का मरीज है या उससे भी कम हो सकता है, दवाई जो है पी रहे हैं। मुनव्वर राना कहते थे हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है, हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है, हैं, दवा भी है ना, अभी समझ आए, पहले तो एला जेलों को ये खाता होता हूँ कि पान तो आखो एलो हूँ रखता डब्बो पान नो लेकिन हूँ कहता पान डब्बो, हाँ पान डब्बो, तो अब उसी तरह क्या रखते रखना पड़ता है चौधरी साहब, दवाई का डिब्बा। हाँ, मेरी वालिदा यहाँ घूमने आई तो उनको ले गए हम मार्केट घुमाने के लिए, मैं तो गाड़ी में बैठा रहा, वो घर वाले ले गए, तो वालिदा को पसंद आ गए, थे कि यार हवार हाँ जाएंगे मेरा याद रखवा, तो डिब्बा मिला लिखा था मंडे ट्यूजडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सुबह की एक खुराक शाम की एक खुराक, ये तो कहा कि कुछ ले जाऊं कि न ले जाऊं, यूके से ये जरूर ले जाऊंगी है, ताकि दवाई पीने में क्या हो जाए आसानी और सहूलत जो है वो हो जाए। तो बहरहाल ये इलाज है, लोग अजीब सवालात करते हैं कि ये जायज है, ये बिदत है, ये इस्लाम में है, ये भाई बगर से इलाज है। इसी तरह याद रखो, लोग पूछते हैं, देखिए हर एक का अलग मिजाज होता है, मेरा खानकाही मिजाज नहीं है, हाँ, तसव्वुफ वाला मेरा मिजाज नहीं है,
किसी का क्या मिजाज, किसी का क्या मिजाज, लेकिन उस दिन आपको बताया था हजरत शेख फरमाते थे सब काम हमारे हैं, सब काम क्या है हमारे हैं, जिससे मेरा और आपका मिजाज मिल जाए बन जाए उस काम में लगे रहो। दावत तो तबलीग में मिजाज लगा, हमारा मिजाज वो है उसमें चलो, खानकाही मिजाज है उसमें चलो, है तदरीसी मिजाज है उसमें जो है वो लग जाओ, जो भी दीन के काम है, रिफाही काम ये भी दीन के काम है, है? हुजूर रिफाही काम ही करते थे। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हुजूर कोई जो धाड़स बंधाई, जो तसल्ली दी, जब पहली वही आई गारे हिरा में और हुजूर आए, बुखारी शरीफ में हदीस नंबर 3 है ये गालिबन, है तीसरे नंबर की, उसमें ये है। आप देखना लोग रिफाही काम को दीन का काम नहीं समझते, ये भी दीन का काम है। अरे रिफाही तो समझ रहे हो ना, क्या रिफाही काम यानी क्या बोलो, कहाँ जिक्र फिकर यार, ये जो उम्मा वेलफेयर है, है? और इस तरीके से कहीं सैलाब आ गया, कहीं जलजला आ गया, या कहीं कुछ है, बूढ़ों की मदद करना, जईफों की मदद, चैरिटी, जजाकल्ला, है चैरिटी, है क्या है चैरिटी, जिसको जो है वो बोलते हैं ये रिफाही काम है। हजरत खदीजा ने किसी इबादत का हवाला नहीं दिया, याद रखना, उठा लो बुखारी शरीफ और देखो, वो नहीं दिया, ये हमारा मिजाज बिगड़ा हुआ है, मिजाज ही नहीं बना हमारा, हमने दीन का काम खाली मस्जिद मदरसे तक ही महदूद कर रखा है। रिफाही काम जो करते हैं उसको कोई दीन का काम नहीं। अरे उलमा ने तो लिखा सियासत में आना, सियासी काम करना, ये भी दीन है अगर नीयत सही हो तो। सियासत हुजूर ने सियासत भी की है, बाकायदा उलमा ने हुजूर की सियासत पे किताब जो है वो लिखी है। बल्कि आज शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने यही तो कहा कि पता नहीं वो पूरा मुझे याद है कि नहीं, मफहूम है कि हो सियासत गर दीन से जुदा, तो ये क्या है चंगेजी है कि ये कहाँ है कि, तो फिर चंगेजी जो है वो है, तो ये सियासत ये भी है। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के हालात में लिखा है और ये बात मलफूजात फकीहुल उम्मत में मौजूद है, हजरत मुफ्ती महमूद हसन साहिब गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने, हजरत ने ये फरमाया मफहूम है कि जो रिफाही काम करते हैं वो भी दीन का काम है, जो सियासत का काम करते हैं वो भी जो है वो दीन का काम है। हर फील्ड में आदमी को क्या है वो जरूरत होती है। देखिए उलमा ने हजरत हकीमुल इस्लाम हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह ने कितनी अच्छी तारीफ की, सुनो आपको काम देगा। आपने सुना होगी, सुने होंगे दो लफ्ज शरीयत और तरीकत, आपने सुना होगा शरीयत और तरीकत। हजरत फरमाते थे ये दीन पूरा नहीं हुआ, तीन चीजें हैं शरीयत तरीकत सियासत, शरीयत तरीकत सियासत, सियासत सियासत राजकारण है, राजकारण आपड़े पछाड़ी से आजे इनू से आज कारण क्या आपड़े इमान नहीं माने, राजकारण छोटी सी कम्युनिटी है इंडिया में सिख, उनकी सीटें हैं, पूरा इंडिया हिल जाता है कुछ करते, और हमारी तादाद देखो, लेकिन है ही नहीं सियासत। और जो है, क्योंकि हमने अपनी पार्टी नहीं बनाई और जो बनाता है उसको सपोर्ट नहीं करते हम लोग, और दूसरी पार्टियों के साथ है तो वो पार्टी की गाइडलाइन पे चलना पड़ता है, वो बोल नहीं सकते। हमारे यहाँ तशरीफ लाए थे, आपने भी देखा होगा, मुझे तो याद है, आपको याद होगा, हजरत मौलाना असरारुल हक कासमी रहमतुल्लाह अलैह, याद है यहाँ तशरीफ लाए थे, वो पहले जमीयत में थे। जब काला कानून लाई थी ये गवर्नमेंट तलाक के खिलाफ, हजरत बिहार से जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे कांग्रेस की तरफ से, हजरत बोलना चाहते थे कि दीन के खिलाफ थी ये बात और हजरत को पार्लियामेंट में तकरीर करनी थी, भागलपुर से वो सांसद थे भागलपुर से, लेकिन हजरत से जब पूछा गया कि हजरत आपने बयान नहीं दिया, फरमाया मैंने पार्टी से बहुत इजाजत चाही लेकिन मेरी पार्टी ने इजाजत नहीं दी, मैं चाह के भी नहीं बोल सका। अब वो एक बंदा है, आप उसकी सियासत से इत्तेफाक करो ना करो, लेकिन वो बोलता है क्योंकि आजाद है, समझ रहे हो ना। हाँ, किसी ने बहुत अच्छा जुमला कहा, कांग्रेस में यूपी से थे सलमान खुर्शीद, आज भी है वो सलमान खुर्शीद, वो बड़े ओहदे पर थे जब ये यूपीए सरकार बनी थी, तो यूपीए 2 यूपीए 1 उसमें बड़े ओहदे पर थे, तो किसी ने बहुत अच्छी बात कही और वो गैर मुस्लिम है, तो कहा कि
मुसलमान के इशू पे जो है बोलते नहीं है सलमान खुर्शीद, तो फरमाया कि उसका जहन तो सेक्युलर है, उसकी बीवी आप देख लो कौन है, है? तो उसने बहुत अच्छी बात कही कि यार मांगा था मुसलमान, मिल गया सलमान। मुसलमानों ने क्या मांगा था कि संसद में कौन पहुंचे, मुसलमान पहुंचे। फरमाया मांगा था मुसलमान, मिल गया सलमान। तो वैसी जो है वो बात इस यहां से जरूरी है। शरीयत कहते हैं रास्ते को, शरीयत कहते हैं रास्ते को, तरीकत कहते हैं रास्ते पे चला किस तरह जाए। सुभान अल्लाह। है अगली बात आप सुनो, कारी साहब ने मुख्तसर अल्फाज में हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह ने समझा दिया। फरमाया तीन चीजें हैं, लोग कहते हैं शरीयत तरीकत, फरमाया ये मुकम्मल नहीं है। शरीयत तरीकत सियासत, फरमाया शरीयत नाम है रास्ते का, तरीकत उस पे चलना कैसे है। जब हम चलेंगे तो रास्ते में रुकावटें भी आएगी, पत्थर भी आएंगे, कंकर भी आएंगे, हैं, और भी रुकावट की चीजें आएगी। फरमाया शरीयत नाम है रास्ते का, तरीकत नाम है चलने का, चलते हुए रास्ते में जो रुकावट आ जाए उसको दूर करना, इसका नाम सियासत। कनाडा में सिख 9 या 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इतना उनकी इतनी आवाज है उनकी, पढ़ो जरा आप। लेकिन यहां भी हम लोग हजरत मौलाना अब्दुल्ला साहिब कापोद्रवी रहमतुल्लाह अलैह कह कह के थक गए इस मुल्क में फारूक भाई आए तो, कि सियासत में जाओ, अपने बच्चों को आगे जो है वो भेजो। लेकिन यहां हम सब ख्वाबे गफलत में सोए हुए हैं। हमारे दरमियान में छोटी सी कम्युनिटी है, देखिए हर फील्ड में उनके बंदे मौजूद है, और क्या फायदा वो उठा रहे। हमारे इधर ही कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, इसी इलाके में इतनी सी है हर फील्ड में आपको। और मैंने तो ये सुना है, ये पुराने लोग पता है, इसके अंदर हमने जो दूसरा मकान लिया और कुछ परमिशन वगैरह की जरूरत थी तो शायद उन्होंने ही हेल्प की, है ना? हाँ, उन्होंने ही जो है वो हेल्प की। मुझे मकान नहीं मिल रहा था, मेरी बात करूं, मैं यहां इमाम था, मुझे जो है वो मिल नहीं रहा था। तो एक साहिब हैं मुझसे, मेरे बड़े खैरखा है, अभी भी बकायदे हयात है, मैं नाम नहीं लेता, अल्लाह उनको जजाय खैर दे। वो मुझे कहने लगे कि मौल साहब अवे तमूने एम के घर एक सूरत में मल है, एम के अपड़ा एरिया नो एक एम के एम पी के हूं कहते कहते अब्राहम काउंसिलर अब्राहम नाम है ना। तो फरमाया सेंटर में उसको बुलाया और मेरी बात करवाई कि ये हमारा फिरिस्ट है इमाम है, इसको मकान की जो है वो जरूरत है। ये तो अब हमारा कोई बंदा ही नहीं है, तो हमें इनको जो है कहना पड़ा कि सिफारिश कर। अरे अल्लाह के बंदो, यहां रहना है सियासत में आना पड़ेगा, है हम तो नहीं आ सकते, लेकिन जो हमारी औलाद है, यहां की न्यू जनरेशन है, वो वाकिफ है, तो जो जहीन लोग हैं उनको तैयार करो, है हाँ जहीन लोग हैं वो तैयार करो। देखिए सियासत का मैंने कहा ना, कैनेडा आप पता नहीं न्यूज देखते कि नहीं, पढ़ते कि नहीं, मैं तो पढ़ता हूं। वो जो एक सिख का कत्ल हुआ था गुरुद्वारे के पास, पूरी इंडियन गवर्नमेंट को हिला के रख दिया वहां के लोगों, क्यों? टूडो को बोलना पड़ा, वो 9 या 12 सांसद है वहां, समझ आ रहा है? हाँ, तो उसकी वजह से। इंडिया में मैं आपको बताऊं, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, याद है? पता है आपको? हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब कांधलवी नवर अल्लाह, हजरत जी जिनको बोलते हैं ना, उन्होंने पढ़ाई। क्यों पढ़ाई वो सुनो, ये सियासत बात निकली है तो आपको बताऊं आज कि जरूरत है हर फील्ड की, और तैयार करो बच्चों को या जो भी है या जो इसमें आगे हैं उनका क्या करो, सपोर्ट करो। हम तो तैयार नहीं करते, जो तैयार होते हैं तो सपोर्ट नहीं करते। आपड़ो प्रॉब्लम ये है कि आपड़ो जे भी खैरखा हो तीना अंदर बुराई नजर आवे, इना अंदर अच्छाई ने सच्चाई आपने नजर आवे नहीं, ए पछी आपड़े वर्ल्ड वाइड गमे तो आपड़े रहता होय, आपड़े अपना माणा ने सपोर्ट करे ज नहीं। हाँ, आपड़ी बहु मोटी खामी छे, है हाँ, के करे ज नहीं आपड़ा लोग, अपड़ाई खुद तो सपोर्ट नहीं करेंगे। चलो कोई बात नहीं, कोई कर रहा होगा ना उसको भी रोकेंगे, उसका भी जहन क्या है वो बिगाड़ेंगे। और याद रखना, वो जरूरत है, नहीं आएंगे तो मसाइल जो है वो खड़े होने वाले हैं, पैदा जो है वो होने वाले हैं। इंडिया के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं सबसे पहले इंडिया के वजीर आजम,
और अब तक सबसे ज्यादा वही प्रधानमंत्री मंत्री हैं, प्रधानमंत्री और वजीर आजम बने थे। अभी जो मौजूदा है उनको रिकॉर्ड तोड़ना था तो बराबर करना था, तो वो भी 3 मरतबा हो गए। इन्होंने चाहा कि दावतो तबलीग का काम दिल्ली से निजामुद्दीन से जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। वहां से जमातें दुनिया भर से निकलती थी, दिल्ली में पार्लियामेंट भी दिल्ली में है और जामे मस्जिद निजामुद्दीन वो भी क्या है, दिल्ली के अंदर है। तो लोगों ने उसके कान भरे कि भाई इसको बंद कराओ यहां से। मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाही अलैहि से उनकी बहुत बनती थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हैं बेतकल्लुक जो है वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मौलाना अबुल कलाम आजाद को पता चला और लिखा है मौलाना अबुल कलाम आजाद के हालात में कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जहन बन चुका था और वो दावतो तबलीग का काम जो निजामुद्दीन से हो रहा था उस पर पाबंदी लगाने वाले थे। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आजाद सियासत में थे और मुसलमान को ये भी शर्फ इंडिया में हासिल है कि सबसे पहला वजीर तालीम एक मुसलमान था इंडिया में जब आजाद हुआ, और मिसाइल मान भी एक मुसलमान है। हाँ, फिर भी ये लोग कहते हैं कि देशभक्ति जो है वो साबित करो, उनको हमारी ये शक्ति नजर नहीं आती और भक्ति तो आती ही जो है वो नजर नहीं है। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कहा कि पंडित जी दिमाग खराब हो चुका है क्या? क्या कहा? पंडित जी सठिया गए हो कि ये इरादा कर रहे हो कि दावत और तबलीग का जो काम निजामुद्दीन से हो रहा है उसको बंद किया जाए। फरमाया, पंडित जी सोचो, हम ये कहते हैं कि हमारी इंडिया की जो हुकूमत है वो क्या है, जमहूरी हुकूमत है, हैं डेमोक्रेटिक, के वो जो है हुकूमत है जमहूरी है, यहां पर जमहूरियत है। फरमाया, दुनिया भर में यहां से जमाते जाती है, आपका तो डंका बजेगा कि देखिए वहां का प्राइम मिनिस्टर जो है तो वो इसको क्या करता है, बढ़ावा देता है और इसको एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। और वहां जमहूरियत है, उसकी जीती जागती मिसाल ये है कि वहां दीन का काम हो रहा है और हर मजहब वाले अपने तौर से करते हैं और दुनिया भर में जा रही है, तो आप तो सबसे बड़े क्या कहलाओगे, लीडर कहलाओगे और जमहूरियत के आप एक निशान माने जाओगे। तो कहा कि इसको बंद करने की हिमाकत मत करना, वरना लोग कहेंगे कि दावा तो जमहूरियत का है और काम ये जो है वो कर रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बात समझ में आ गई, बाज मरतबा बात छोटी सी होती है तो वो काम बड़ा कर जाती है। वो कहते हैं ना कि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, तो ऐसा भी होता है कि एक लम्हा खता कर दिया सजा सदियों तक मिलती है। इसी तरह एक झूला असर कर जाता है, एक बात असर कर जाती है, फायदा सदियों तक पहुंचता है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिमाग से ये बात निकली और निकाली मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, और पता चला हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह को बताया गया, पहुंची बात। हजरत ने फरमाया कि मौलाना अबुल कलाम आजाद का मिल्लत पे एक तो एहसान है, दूसरा हम जो ये काम कर रहे हैं हम पे एहसान, ये जो काम है। फरमाया, दो एहसान किए मौलाना ने, एक मिल्लत पे भी एहसान किया और एक दावत तबलीग के काम से जो जुड़े हुए हैं उन पर भी और इस मरकज पर भी जो है एहसान किया। वक्त आने पर हम इंशाअल्लाह एहसान का बदला चुकाएंगे। यह सियासत में छोटी सी क्या है, भागीदारी, शिरकत, फायदा देखो। अभी अहमद पटेल मरहूम है, हमारे गुजरात से ही थे, भरूच से, आप जानते हैं। तो ये मैंने खुद सुना, किसी और से नहीं, मैंने मौलाना गुलाम वस्तानवी ने उनके इंतकाल पर दामत बरकातुहुल आलिया ये बात कही। देखिए, इंडिया से पाकिस्तान जाना कार्यदार वीजा नहीं मिलता है, बल्कि यहां से अगर हम चले जाए पाकिस्तान किसी काम से, फिर इंडिया के जाओ, आपको नहीं मिलेगा वीजा। लेकिन आपको पता है रायवंड में, शहीद भाई को तो पता होगा, हर साल वहां इज्तिमा होता है, मौलाना अहमद लाट साहब हैं और मौलाना इब्राहिम साहब, मौलाना इस्माइल गोधरा और वो बेंगलोर वाले कौन है वो, हाँ, तो ये सब जाते थे। आपको पता है वीजा कौन लेके आता था? अहमद पटेल लेके आते मरो। क्यों? सियासत में भागीदारी थी, हिस्सेदारी थी, सोनिया गांधी के सलाहकार थे।
तो इनको कुछ करना नहीं होता था, ये अकाबिर को खाली पासपोर्ट जाके उनको दे देने की, वीजा लग के उन पर आ जाता। ये है छोटी सी भागीदारी, ये मरकज जो है वो उससे बचा है। अब इंतकाल हुआ किसका, मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। हजरत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हजरत ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने मिल्लत पे एहसान किया था, मरकज पे एहसान किया था, इस काम पे एहसान किया था। फरमाया नमाज जनाजा हम पढ़ाएंगे। नमाज जनाजा क्या करेंगे, हम जो है वो पढ़ाएंगे। तो खैर बहरहाल मैं कह रहा था कि सियासत रास्ते की, काली तैयब साहब ने फरमाया ना, वो रुकावट को क्या है, दूर करने का नाम है। लेकिन बदकिस्मती से सीरत के हर पहलू पे हमारे यहाँ बयान होता है, हुजूर ने सियासत कैसी की उस पर बयान नहीं होता। सियासत रास्ते की रुकावट को दूर करना। आपको एक मिसाल दूं है, यहाँ मिसाल तो बाद में दूं, ये बात दूसरी याद आई। पड़ोस में क्या है, पेरिस, वहां पर थे डॉक्टर हमीदुल्लाह, अगर आपने नाम सुना हो या देखा हो, पढ़े लिखे आदमी। उन्होंने किताब लिखी है इस पे, दुनियावी फनून भी हासिल थे कि आका की सियासत पर। बात अब मैं इंशाल्लाह खत्म करता हूं दो चार मिनट। तो ये सियासत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्का मुकर्रमा से कहा मदीना मुनव्वरा की तरफ। अब आप देखिए, हुजूर को जाना है मदीना मुनव्वरा, जाकर कहां ठहरे रुके हैं, गारे है यार, कहां हीरा में है, गारे हीरा तो वहीं आए हैं, गारे सौर में जाकर हुजूर क्या है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर रुके हैं। अब आज भी होता है, कोई वांटेड है तो हुकूमत क्या रखती है ऐलान है, क्या वांटेड चे इसको पकड़ के लाए तो 50 लाख है, 1 लाख, 10 लाख, जैसा जैसा आदमी होता है हुकूमत क्या रखती है, इनाम जो है वो रखती है पकड़ के लाओ। ये आज से नहीं चल रहा, उसी वक्त से चला आ रहा है। हुजूर जब हिजरत के लिए गए, सीरत पढ़ो आप हैं, जब गए हैं तो इन्होंने देखा कि यार ये मुशरिकीन मक्का समझ गए कि किसी भी तरह से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा तक पहुंचने से रोकना जरूरी है, वरना इस्लाम फैलेगा फूलेगा। यहां तो वो क्या है, वो क्या बोलते हैं, एक मेजोरिटी होती है, दूसरा क्या बोलेंगे, माइनॉरिटी, जज़ाकअल्लाह, माइनॉरिटी में, कि यहां तो जो है वो माइनॉरिटी में है, मक्का मुकर्रमा में, यहां इनका हैंड अपर नहीं है, है नीचे है इनका हाथ। मदीना मुनव्वरा चले जाएंगे तो कई लोग वादा कर चुके हैं सपोर्ट देने का, साथ देने का, तो इनको सियासी कुव्वत मिल जाएगी, ताकत मिल जाएगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, सब कुछ पहले से निजाम इलाही में तय था, है कि निशानी थी कि नबी आखिर उज़्ज़मा आएंगे, और उनकी एक निशानी यह है कि जहां आएंगे वहां क्या होंगे, खजूरों के बागात होंगे और दरख्त होंगे, सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला ने, इसीलिए वो सब अपनी जगह। लेकिन हुजूर सियासी कुव्वत हासिल करने के लिए मदीना मुनव्वरा गए थे, वहां पर जो है वो गए थे। अब देखिए सियासत यहीं से शुरू। अब इसमें यही तो होता है कि जंग किसका नाम है, सामने वाले को धोखा देने का, है ना, हाँ, कि करना कुछ है बताओ जो है वो कुछ, कि अपने, हमारे यहां कहते हैं कि अपने पत्ते नहीं खोलने के, क्या बोलते हैं, अपने पत्ते खोलने के नहीं कि क्या करना है। तो हुजूर की सियासत देखिए, यही सियासत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब कुछ तय है, बता रखा है कि अबू बकर अल्लाह के हुक्म के हम मुंतजिर है, वही के आएगी तो हमें कहां जाना है, और पहले से ऊंटनी बूटनी सब क्या है, नूरानी भाई तैयार रखी है। इससे पता चला असबाब इख्तियार करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। हुजूर ने पहले से ऊंटनी जो है वो तैयार कर रखी है, सिर्फ ऊंटनी नहीं, साथ में एक रहबर भी तैयार रखा कि जो क्या करे, गाइड करे रास्ते को। आज की जुबान में नेविगेशन है के टॉम टॉम, के वो क्या है वो रास्ता, ये सब असबाब इख्तियार किए। बाज़ लोग दावत और तबलीग के काम में लगते हैं, जोश में आके असबाब की नफी करते हैं, ये दीन के खिलाफ बात है, याद रखना। ये बातें बड़ों को झचती है, मुझे और आपको नहीं झचती। ये तवक्कुल वाली बात मौलाना यूसुफ साहब को झचती थी, बड़ों को जो है झचती थी, समझ आया ना। हमारा तवक्कुल उस दर्जे का नहीं है, आप इस तरह की बात करेंगे, कोई आदमी मजमे में बैठा है उसको घर वालों के, बीवी बच्चों के, माँ बाप के हुकूक अदा करने हैं, कहीं हमारी बातों में आकर वो कोई दूसरा रुख इख्तियार न कर ले, समझ आ रहा है।
हाँ कोई दूसरा रुख जो है वो इख्तियार, देखिए हज जैसा अहम फरीजा, इस्लाम की तकमील हज पर फर्ज हुई है, मुकम्मल हुई है, इस्लाम की तकमील हुई है, तकमील वही मुकम्मल कि इस्लाम की तकमील हुई है। लेकिन आप जानते हैं हज में आदमी कब जाएगा, जब मां तहतों पर जो उसकी जिम्मेदारी है उसका क्या करके जाए, इंतजाम करके जाए, उसका जो है वो बंदोबस्त करके जाए। और वो तो हजरत शेख ने फजाइल में लिखा है कि एक सहाबी मफू में आए और क्या लेकर आए, जो कुछ घर में था सब कुछ, कि भाई हुजूर ये सदका है, तो हुजूर ने उनको क्या मारा, अंडा जो है वो मारा, बैजा है वो सोने का था। हजरत शेख ने लिखा है कि अगर लगता तो जख्म पहुंचता, खून निकलता, कि नहीं रोका है। तो दर्जात होते हैं, तवक्कुल के क्या है वो दर्जात जो है वो होते हैं। आप एकदम से जो है वो कर ले, हुजूर ने यहां सबब इख्तियार किया, बल्कि राह बताने वाला, ये अल्लाह ताला को मेरी और आपकी तरबियत करनी है, वरना हुजूर को क्या जरूरत थी, जब बुराक वहां आ जाएगा तो यहां भी आ जाता है, जब बुराक वहां आ सकता था तो यहां भी जो है वो आ सकता था, वही हुजूर को और मौके पर आती थी, यहां भी आती, क्यों जो है वो रखते किसी को। तो इस दुनिया में रहना है, जहां रहना है सबब इख्तियार करना है, सियासत एक सबब है, एक ताकत और कुव्वत का, तो इसमें भी हमारे यहां पार्टिसिपेशन जो है वो जरूरी है, यहां जो है वो रखो, तब जाकर जो है वो हमें फायदा होगा। लेकिन हम ख्वाबे गफलत में हैं और खरगोश की नींद सो रहे हैं, कोई इस जानिब जो है वो तवज्जो नहीं है। हाँ हमारे फारूक भाई तो जब थे, जो भी आए सब मस्जिद का भला करने के लिए आते हैं और आएंगे और आते हैं, अल्लाह सबको जजाए खैर दे, जो कर गए, जो कर रहे हैं, जो करेंगे, तो इन्होंने भी इस जानिब बहुत तवज्जो दिलाई। लेकिन आप बाद में पूछना रिजल्ट क्या है, कुछ निकला, कुछ नहीं निकला। हमारे ऊपर जब तक मुसीबत पड़ती नहीं हमारी आंखें खुलती नहीं। हाँ असल चीज ये कि आपने कहीं ना जहां होती आपड़ा पाए थी, कोई चादर नहीं ले, ठंडी वागे नहीं, तहां होती आपड़ा कान खुले नहीं, आंखों जैसे थे आपड़ी उगड़े नहीं, समझ आया। हुजूर ने देखी यहां सियासत और सारा सबब वो इख्तियार किया, आखिर जमा आखिरी नबी है, सब कुछ इख्तियार कर रहे हैं। खैर मुझे ये बताना था कि कहां रुके गारे सौर में, अब जरा आज तो गूगल है, जाकर करना, गारे सौर मदीने की जानिब पड़ता है या यमन की तरफ पड़ता है। यहां से किसी को मान लो ड्यूजबरी जाना है, तो जितने रस्ते हैं उधर के, तो उस तरफ हुजूर नहीं गए बल्कि दूसरी तरफ, कोई एक रास्ता बोलो कि जो ड्यूजबरी नहीं जाता उस तरफ जाता हो, कौन सा होगा? M4। हाँ M4 पे गए, हालांकि जाना किधर चाहिए था, M1 की तरफ, लेकिन हुजूर को M1 पकड़ना है, मिसाल के लिए समझा रहा हूं, M1 पकड़ना है, जाना उस तरफ है, लेकिन गए किधर? M4 की तरफ जो है वो गए, धोखा देने के, चकमा देने के लिए, चकमा देने के लिए, और इनाम रखा कि हुजूर को जो पकड़कर लाएगा तो हाँ 100 ऊंट, और 100 ऊंट आप समझ लीजिए कि आज की 100 लैम्बोजिन लैम्बोजिन है, हाँ तो क्या है, तो वो है, या आप फरारी समझ ले, आउडी तो अब कम हो गई है, हैं बता पाए जो बदाने जा आउडी गया, तो खैर क्या है वो इनाम रखा और सुराका वो पहुंच भी गए थे, तो वो क्या है बाद में, लेकिन हुजूर उस तरफ रुके ताकि लोग तलाश कर करके क्या हो गए, थक गए कि मिले ही नहीं, उधर गए हो तो मिले ने। अब सुराका क्यों पहुंचा, वो एक खास वजह से, बाकी कोई और नहीं पहुंच सका, सारे लोग 100 ऊंट यानी समझे आप हैं, बिल गेट्स थे जाते थे, तो क्या है वो सब भागे हैं, सब निकले हैं। अपने तो मोरिसन ना अंदर ऑफर आवे तो पछी एटली क्यों थे जाए हैं, जरा कम थी, तो ये तो 100 ऊंट है, तो इतने के लिए वो भागे हैं। खैर आपको सियासत में समझा रहा था और रिफाही काम बात दरमियान में आ गई। हजरत खदीजा ने खत्म मुकम्मल करते हैं, देख लेना हदीस पाक में जो 5 काम हुजूर के बताए कि अल्लाह आपको रुस्वा नहीं करेगा, आपकी मदद करेगा, कोई इबादत का जिक्र नहीं है, कोई नमाज रोजे का जिक्र नहीं है, बेवाओं की मदद, मेहमानों की मेहमान नवाजी, बूढ़ों की खबरगीरी, समझ आया, नादारों की देखभाल, ये सब काम जो है वो बताए हैं, गिनाए हैं। और सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब मक्का वालों ने निकालना चाहा, तो उनको जो असाइलम दिया था जिसने, उन्होंने वही सिफात गिनवाए मक्का मुकर्रमा वालों को कि भाई इसको हम कैसे निकाल सकते, ये तो ये काम करता है। तो अपने जहन में बिठा कर जाओ, दीन क्या है, एक दरख्त की मानिंद है, जड़ है, और दरख्त शाखों से मिलकर बनता है, फलता फूलता है, ये सारे काम क्या है, दीन के
इससे जो है वो दीन के काम है। अल्लाह ताला जो कुछ कहा सुना गया काबिल अमल बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दी, सुभान अल्लाहुम्मा बिहम्दिक, नशहदु अल्ला मोहतरम। गुज़िश्ता जुमा की शब हमने एक मजमून शुरू करना था, तो आज वही मजमून इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शुरू करेंगे। क्योंकि रबीउल अव्वल का भी महीना चल रहा है और जुमा की शब भी है, इस्लामी एतबार से जुमा शुरू हो चुका है, जुमा की शब है और इसको आका के साथ खुसूसी मुनासिबत है। तो कुछ बातें सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आपके गोश गुजार करनी है। उनमें भी आज की मजलिस में सिर्फ एक मसला वो जिक्र करना है। मैंने मसला कहा, हालांकि सीरत है लेकिन मसला इसलिए कहा कि अकीदे की बात है। वो है कि हुजूर नूर है या बशर? क्या है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है या बशर है? क्या जवाब होगा? हैं बशर। हम ये कहेंगे कि जवाब तो बशर ही है लेकिन एक माने में आका नूर भी है। हाँ, एक माने में। लेकिन जो लोग नूर को जिस माने में लेते हैं उस माने में आका नूर नहीं है। चूंकि कुरान करीम ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी नूर की निस्बत की है लेकिन वो नूर जुल्मत के मुकाबले में। किसके मुकाबले में? जुल्मत के। हर चीज का एक मुकाबिल होता है। रात का क्या है? दिन है। सफेद का क्या है? सियाह है। आदमी का कि मर्द का क्या है? औरत है, है ना? तो हर चीज का एक मुकाबिल होता है। तो हुजूर को नूर इस माना कर तो कहा जा सकता है कि जुल्मत से लोगों को निकाल कर क्या करते थे? नूर का रास्ता दिखा दे। नूर का माना है रोशनी, तो जुल्मत का मुकाबिल क्या होगा? रोशनी होगी, है ना? हाँ, रोशनी होगी। साउथ अफ्रीका के अंदर एक जगह का नाम ही है रोशनी, है ना? आपको पता है हजरत मौलाना यूनुस पालनपुरी दामत बरकातहू अलालिया, हजरत साउथ अफ्रीका पहुंचे और रोशनी मकाम पर हजरत का बयान था, यानी जो इलाका है रोशनी वहां हजरत का खिताब था। तो हजरत ने एक बात ये कही कि भाई आप बड़े खुशनसीब है, मफहूम है, हमारे यहां तो अंधेरी है, आपके यहां रोशनी। समझ रहे हो? मुंबई में, हाँ, वो ये सईद भाई को पता होगा, वो दोनों जगह रहते हैं, दिल्ली में भी और बंबई में भी। मौलाना पता है ना, तो बंबई के अंदर क्या है? अंधेरी है। क्या है? अंधेरी है। तो हजरत ने फरमाया कि हमारे यहां तो अंधेरी है, आप तो खुशकिस्मत है फारूक भाई कि आपके यहां क्या है? रोशनी है। तो आप खुशकिस्मत है। तो बहरहाल हर चीज का एक मुकाबिल होता है। तो हुजूर को नूर बई माना कहा जा सकता है कि जुल्मत से निकाल कर हुजूर हिदायत का, नूर का और रोशनी का रास्ता दिखाते। चले, ये तो आपको खाली बता दिया कि आज गुफ्तगू किस पर करनी है। लेकिन मेरी आदत आपको पता है कि उमूमन मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज मंजूम कलाम से करता हूं। तो आका की शान में अल्लाह की तौफीक से बंदे ने ही कुछ लिखा है। अल्लाह करे कि आपको भी पसंद आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी पसंद आ जाए कि हमारा बेड़ा पार हो। तो सुनिए आप कि करो जिक्र आका तो नूर मिलता है, करो जिक्र आका तो नूर मिलता है और दिल को बेहद सुरूर मिलता है।
सुरूर जाकिर भाई जानते हो ना, सुरूर यानी क्या है, खुशी। सुरूर का माना क्या है, खुशी है। हाँ, करो जिक्र आका तो नूर मिलता है और दिल को बेहद सुरूर मिलता है। है जिक्र आका भी अहम इबादत, है जिक्र आका भी अहम इबादत, उस पे भी सवाब जरूर मिलता है, उस पे भी सवाब जरूर मिलता है। करो जिक्र आका तो नूर मिलता है और दिल को बेहद सुरूर मिलता है। अब देखिए, ये हमारा अकीदा है। अगली जो बात है, हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद प्रतापगढ़ी नव्वर अल्लाहु मरकज़हु, माजी करीब में हमारे एक बुजुर्ग नूरानी भाई ये गुजरे हैं। क्या नाम है? हजरत मौलाना मोहम्मद अहमद, नाम भी देखिए, मोहम्मद और अहमद प्रतापगढ़ी रहमतुल्लाह अलैह। हजरत शायर भी थे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उन्होंने जो लिखा, उनमें एक शेर मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं, यानी हुजूर के ताल्लुक से, मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूं तू मुझको बता दे, मैं उनके सिवा किस पे फिदा हूं तू मुझको बता दे, ला उनकी तरह कोई अगर है। ला उनकी तरह, यानी हुजूर की तरह अगर कोई हो तो बता, मैं उन पे फिदा हूं कि मैं उस पे भी फिदा हो जाऊं। अगर कोई हनीफ भाई क्या हो, हुजूर की तरफ हो तो मुझे दिखाओ, मैं उस पर फिदा हो जाऊं। फरमाया, कोई नहीं है। आज तक आमीना के लाल जैसा किसी आमीना ने और किसी खातून ने, हमारा अकीदा है, न जना है और न जन सकती है आगे। कयामत तो आ सकती है लेकिन आमीना के लाल जैसा लाल नहीं आ सकता। मैंने दो लाल कहे हैं, एक है उर्दू वाला लाम अलीफ और ला लाम लाल, हम बोलते हैं ना, नहीं लियास भाई, हजरत मौलाना ये अबरार अहमद साहिब दुल्हवी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी प्यारी बात फरमाते थे। देखिए, माँ तो माँ होती है ना, माँ की ममता मशहूर है। फरमाया, बच्चा चाहे काला कलोटा हो, इंतहाई बदसूरत मान लीजिए, लेकिन माँ की नजर में तो वो दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। वैसे ये हम एशियन लोगों की कमजोरी है, हमने खूबसूरती और हुस्न व्हाइट चमड़ी को ही समझ रखा। हमारी नजर में इस्माइल भाई खूबसूरती क्या है? हाँ, कि भाई व्हाइट चमड़ी हो, सफेद हो, इसी को चौधरी साहब हमने क्या समझ रखा है, खूबसूरती जो है वो समझ रखा है। हाँ, वरना खूबसूरती तो हर चीज में होती है, अलग अलग। आवाज में भी खूबसूरती होती है, किसी को आवाज पसंद आ जाती है ना। ब्लैकबर्न के अंदर एक साहिब है, गुजरात के दूसरे स्टेट से, यहां पहले आते भी थे, मैं नाम नहीं ले रहा, उनका निकाह ही उनके आवाज पे हुआ है, जानते हो ना, नाच भी पढ़ते हैं जो। तो बहरहाल, हर चीज के ऊपर, कफलेता मेरा ननियाल है तो वहां पर एक मस्जिद है जिसको कहा जाता है परी वाली मस्जिद। क्या कहा जाता है? परी वाली मस्जिद, है ना, है भाई इकराम, देखा है? वहां एक कुआं होता था, मैं तो वहीं पला बड़ा हूं, तो वहां एक कुआं होता था तो उसका पानी भी बहुत मीठा होता था किसी जमाने में। तो वो परिवारी मस्जिद है, कहते हैं कि कफलेता गांव पहले उसी तरफ था, उसी जगह था जहां ये परिवारी मस्जिद है, फिर कहां आ गए, धीरे धीरे इस तरफ जो है, जो अभी फिलहाल जहां गांव है वहां पर है। तो वो परिवारी मस्जिद, परिवारी मस्जिद क्यों कहते हैं? कहते हैं कि परियां वो रात को आई और मस्जिद बनाना शुरू किया, और सुबह तक अगर कोई ना उठता तो मस्जिद मुकम्मल हो जाती। लेकिन कोई खातून क्या है, उठी अपनी किसी जरूरत से और उसकी नजर पड़ गई तो वो गायब हो गए, यूं कहा जाता है। वल्लाहु आलम उसकी क्या जो है वो हकीकत है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, परी वाली मस्जिद बोलते हैं। मैं जिस जमाने में ढाभेल में पढ़ता था, मैंने ढाभेल में दाखिला लिया था 1989 में, तो ढाभेल के अंदर मैं था, तो उस वक्त ढाभेल में 8 दर्जे हिफ्स थे, 8 क्लासें थी दर्जे हिफ्स की। एक बच्चा था, उसकी आवाज बहुत अच्छी थी,
तो उसकी आवाज पे ये जो दूसरी मखलूक होती है, जिन कह ले आप, परी कह ले, तो वो आशिक हो गए और मदरसा उसने छोड़ दिया, और ये जो परी वाली मस्जिद है लोग ढूंढने गए तो वहां से मिला था, वो मिला ही नहीं 3-4 दिन तक, पता नहीं वो क्यों वहां, क्या आपस में जोड़ है, क्यों चला गया था। तो कहने का मकसद ये है कि खूबसूरती अलग अलग होती है, लेकिन हमारी नजर में इसीलिए फेयर एंड लवली बहुत बिकती है, ना वो फेयर है ना लवली है, हैं? लेकिन ज्यादा बिकती है, क्योंकि सबको क्या बनना है, खूबसूरत बनना है, सबको वाइट दिखना है। और मैं सोचता हूं ये अजीब है फलसफा, यहां के जो लोग हैं वाइट उनको हमारे जैसा बनना है तो वो धूप में जाके बैठते हैं ताकि क्या हो जाए, हमारे जैसे हो जाए, और हम लोग जो हैं वो उनके जैसे बनना चाहते हैं। तो अलग 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 चीजों पर क्या है आशिक हुआ जाता है। तो मैं मां की नजर बता रहा हूं, वो मां की नजर झूठ नहीं है, वाकईतन वो उसकी नजर में लाल है और हीरा है। लैला और मजनू का किस्सा आपने सुन रखा है, लैला उसका नाम ही था, मजनू, मजनू किसको कहते हैं, पागल को कहते हैं, जो किसी के इश्क में क्या हो पागल हो, अब उस समझ चाचा उसे क्या कहते हैं, मजनू कहते हैं, है ना। और जुनून, जुनून उसी को कह रही है, मजनून जुनून से, जिसका दिमाग काम न करे, ढांकड़ी हटी के लिए हो है सभी चाचा, ढांकड़ी हो हटी के लिए हो, तो वो जुनून जो है वो तारी होता है, तो उसी से ये क्या है, मजनून है। और लैला, उसका नाम लैला क्यों था, लैल रात को कहते हैं, लैल किसको कहते हैं अरबी जुबान में, रात को कहते हैं लैल, नहार ये दिन को कहते हैं अरबी जुबान में। तो वो जो लैला थी वो इंतहाई काली कलोटी थी, सिर्फ काली नहीं इंतहाई काली कलोटी, जैसे रात ये इंतहाई काली कलोटी होती है, तो घर वालों ने देखा जो पैदा हुई कि इंतहाई काली कलोटी है, तो राम ने लैला रख दिया, ये कैसी है इंतहाई काली कलोटी। लेकिन मजनू उसी पे फिदा हो गया, मजनून क्या है, मजनू उसी पे फिदा हो गया। जब बहुत शोहरा हुआ उसका, तो उस वक्त का जो बादशाह था उसने सोचा कि यार इसकी तो जो है मशहूर है आपस में इनका मजाज इश्क, तो उसने लैला को हाजिर किया कि देखना चाहिए कि लैला दिखती कैसी है। तो जब बादशाह ने देखा तो इंतहाई काली कलोटी, तो कहा कि अच्छा ये सड़क छाप इश्क है, हैं ये इस पे फिदा है, ये सड़क छाप इसमें तो कुछ नहीं है लेने का, तो इंतहाई काली कलोटी है इस पे, बुलाओ मजनू को। मजनू को बुलाया, मजनू का जवाब आपको सुनाना है, हाँ मजनू का जवाब, फिर वो माँ का बच्चा काला कलोटा हो ना ये समझाना है आपको, वो नजर चाहिए आपको, हैं। इसीलिए इंडिया में ट्रक के पीछे, टेम्पू के पीछे, और अब तो रिक्शा के भी पीछे है बहुत अच्छी लाइनें कुछ लिखी हुई होती है, तो लिखा होता है नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी, क्या लिखा होता है, नजर अपनी अपनी, पसंद अपनी अपनी। तो बात जो है वो बिल्कुल वैसी है, नजर अपनी अपनी और पसंद अपनी अपनी। तो जब मजनू को बुलाया बादशाह ने और कहा कि तू इसमें आशिक हुआ है, इसमें तो कोई न हुस्न है कुछ भी नहीं, और तू आशिक भी कैसा है, बिल्कुल यानी उसके पीछे पागल हुआ है, रात दिन उसी का जुनून है, बल्कि उसके हालात में लिखा है, पता नहीं अब वो सच है या नहीं है, लिखा है किताबों में कि उसके माँ बाप ने देखा कि यार ये तो इसके इश्क से बाहर ही नहीं आ रहा, रात दिन उसी के गुन गाता है, जैसे हमारे यहां से बहुत से माँ बाप करते थे, अब तो कम हो गया, कि पोइरो अहीं बगड़ी जाए तो इंडिया ले जाए के शादी कराए और सुधरी जाए, करते थे ना, कि यहां लड़का बिगड़ जाए तो क्या करो, किसी के साथ उसका इश्क हो गया है और माँ बाप को पसंद नहीं है कि उसको बहू बनाए, तो क्या करते थे, बेहला फुसला कर कहां ले आते थे, इंडिया जो है वो ले आते थे और वहां शादी करा देते थे। और हमारे हजरत मौलाना अबरार अहमद साहिब दुलेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि फॉरेन से पैगाम आया यानी जन्नतु फिरदौस से आया फॉरेन से पैगाम आया यानी कहां से आया, जन्नतु फिरदौस से आया। तो हजरत फरमाते फॉरेन यानी जैसे ही आया फौरन तैयार, क्या है फौरन फिल फॉर। इस पे एक और बात सुने, हजरत जो है मोटरवे पर जा रहे थे यहां से, ये मुझे सुनाया मैनचेस्टर में एक आलिम दीन है, शायद कारी नईम हमारे जानते हो, पता नहीं उनके वक्त में सूफी बाग में थे कि नहीं, ये कारी नईम वो तो थे सूफी बाग में,
मौली सलीम क्या कहते हो, हमारे मौलाना का क्या गांव है, मौली इस्माइल का क्या गांव है, रविद्रा, रविद्रा जानते हो आप? हाँ, वो मौली सलीम कारी साहब ने देखा है, वो वहां थे अब मैनचेस्टर में, उन्होंने मुझे सुनाया था हजरत मौलाना अब्रार अहमद साहब जुलिया रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत मोटरवे से जा रहे थे, अब हजरत को पेशाब का तकाजा हुआ, M3 पे चल रहे थे। हजरत ने उनको कहा कि भाई मुझे पेशाब का तकाजा है, तो कहा कि हजरत M4 पे सर्विस आ रही है, M4 पे सर्विस आ रही है तो वहां कर लेना। फरमाया M4 नहीं, मुझे फिल 4 जाना है। मुझे क्या करना है, फिल 4 जो है वो जाना है, साइड पे जो है वो खड़ी रखो, मुझे फिल 4 जाना है और तुम M4 की बात करते हो। तो बहरहाल वो होता है। तो मजनू का जवाब सुनिए, मजनू ने ये कहा कि बादशाह सलामत अगर गर्दन की अमान पाऊं, ये जितने बादशाह होते हैं